लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा बहुत वेल्डिंग के बारे में पढ़ा था। एक्चुअली हम लोगों ने क्या करा, हमने प्रीवियस लेक्चर में रिवेट्स को, बोल्ट्स को और वेल्डिंग को, दैट मींस जो तीन फास्टनर्स होते हैं फॉर कनेक्टिंग स्टील मेंबर्स, हम इन तीनों के डिफरेंसेस को पढ़ चुके थे। जैसा कि मैंने हमें बोला कि ये तीन जो फास्टनर्स हैं इनके डिफरेंसेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इन तीनों के डिफरेंसेस को पढ़ चुके थे, ठीक है जी। अब क्या है, रिवेट्स और बोल्ट्स तो हम लोग पहले कर चुके हैं, अब हमारा जो लास्ट फास्टनर बच रहा है जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो कौन सा है, आपका वेल्डिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप लोग वेल्डिंग यूनिट पढ़ते हो तो आप बहुत ज्यादा उसको बेकार तरीके से पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग वेल्डिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, आप लोग वेल्डिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। अगर हम ये पूछें, हम लोग कनेक्शंस पढ़ना चालू कर देते हैं, लैप जॉइंट क्या होगा, या आप समझ रहे हो मेरी बात को, हम कनेक्शंस जॉइंट पढ़ना चालू कर देते हैं हम लोग वेल्डिंग। देखो सिंपल सी बात है, आपको साइट पर जाके, मैं आपको बताता हूँ, जब प्रैक्टिकली जब आप सरकारी इंजीनियर बन जाओगे तो कल को आपको जाके जब प्रैक्टिकली साइट पर वेल्डिंग करवानी है तो आपको वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। भैया सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, लोग मुझसे ही बोलते हैं कि यार बिजनेस कर लो। मैंने बोला नहीं भाई, बिजनेस वही कर सकता है जिसको, जैसे मान लो कोई मुझसे बोलता है कि एक काम करते चलिए यार रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, तो मैंने बोला भाई रेस्टोरेंट खोलने में फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे सोचने में ये है कि जिस आदमी को, दैट मीन्स जैसे मैं बोलता हूँ मिठाई की दुकान खोल लेते हैं, तो दैट मीन्स जब तक मुझे खुद को मिठाइयाँ बनानी नहीं आती तब तक मैं मिठाई की दुकान खोलूंगा तो फायदा नहीं होगा। अगर मैं रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ, रेस्टोरेंट खोलने के बाद अगर मुझको सारे आइटम्स बनाने नहीं आते तो उसका फायदा नहीं होगा। कहने का मतलब कि अगर आप एक पक्के, लोग बोलते हैं ना बिजनेस कर लो, दैट मीन्स अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको उस बिजनेस की सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एक बेकरी शॉप खोलते हो तो आपको सारी केक की नॉलेज होनी चाहिए कैसे बनता है। उसी तरीके से आप पक्के सिविल इंजीनियर तब बनोगे जब कल को साइट पर, अरे यार ऐसा कोई सिविल इंजीनियर नहीं है जिसकी साइट पर वेल्डिंग नहीं होती। हाँ कोई भी इंजीनियर, अब आप डिजाइनर हो तो एक डिजाइनर एक अलग चीज है, पर डिजाइनर भी वेल्डिंग के स्पेसिफिकेशन देता है। तो चाहे आप डिजाइनर में रहो, चाहे आप एग्जीक्यूशन में रहो, चाहे आप क्वालिटी में रहो, किसी, मैंने आपसे बोला सिविल के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आपको हर जगह वेल्डिंग की नॉलेज होनी चाहिए। और आप लोग वेल्डिंग की नॉलेज नहीं लेते हो, अरे बुक्स में ही नहीं है तो आप कहां से लोगे। और हम लोग क्या इंडिया में क्या करते हैं, बुक्स को फॉलो करते हैं। बुक्स अच्छी होती है, बुक्स सबसे बेस्ट नहीं होती है, बुक्स बहुत अच्छी होती है। अगर मैं बोलूं IPS की जो बुक्स आती है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बट वो बेस्ट या परफेक्ट नहीं है, उसमें भी कमियां हैं। तो ठीक है, हम लोग जब वेल्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने तीनों फास्टनर्स को कोरिलेट कर लिया था एक दूसरे से, और फाइनली देखा था कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैंने आपको थोड़ा बहुत डिफरेंसेस बताते हैं, आगे जाकर और बताऊंगा, बट आज का मेरा जो मुद्दा है वो वेल्डिंग का डिफरेंसेस या रिवेट्स का डिफरेंसेस या बोल्ट्स का डिफरेंसेस नहीं है। आज की तारीख में मैं वेल्डिंग पढ़ाऊंगा, और आपको आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो बुक्स के अंदर भी लिखी हुई नहीं है। और मैं बोलता हूँ हाँ जी, जितने भी बुक्स वाले हो सुन लो उसको, लिख दो, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो बुक्स में बस वेल्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं बस वो पढ़ा देते हो। अरे वेल्डिंग होती कैसे वो तो बताओ, तभी तो आगे जाके बच्चा सीखेगा। ठीक है, आगे एक बार डिस्कस करते हैं। तो हमने ये पढ़ा था वेल्डिंग क्या होता है। वेल्डिंग एक ऐसा मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम हीट प्रोवाइड करके दो पीसेस को ज्वाइन करते हैं। जनरली हमें यह पता है कि हीट वेल्डिंग मशीन से हम हीट प्रोवाइड करते हैं, और दो पीस, अगर हम लेमिन लेमिन की बात करें तो हमें बस ये पता है कि हाँ हीट प्रोवाइड करो, मटेरियल्स को पिघलाओ और ज्वाइन करो, और ठंडा होने पर वो ज्वाइन हो जाता है। क्या बोला, हीट प्रोवाइड करो, मटेरियल्स को पिघला दो, मेल्ट कर दो, और मेल्ट करने के बाद उसको ठंडा होने दो, ठंडा होने के बाद आपका दो मेंबर्स में कनेक्शन हो जाएगा। अब क्या मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है वो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, तो वेल्डिंग की तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा चुका था, बट अगर मैं आज की तारीख में आपसे पूछूं, अरे भैया आज की तारीख में पूछूं बीम कौन कौन सी होती है, तो सीना चौड़ा करके आप बोलोगे सर बीम देखो कौन कौन सी होती है, सर सिंपली सपोर्टेड होती है, कैंटिलीवर होती है। भाइयों आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, बीम्स कितने टाइप की होती है, सर सिंपली सपोर्टेड होती है, कैंटिलीवर होती है, सर फिक्स बीम होती है, सर ओवरहैंगिंग बीम होती है, सर बीम्स को तो आपको सब कुछ पता है। अरे भैया डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग बताओ, डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग कौन कौन सी होती है ये भी पता करना है। मैं साइट पर मुझसे कोई पंगा क्यों नहीं लेता है, क्योंकि भैया मेरे को बाल की खाल निकालना आता है, मेरे साथ कॉन्ट्रेक्टर्स रहते हैं, इधर आ तो इधर आ तो इधर आ तो मैंने क्या ये जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहा ना, अरे मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बोला था, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बोला था, एक सेकेंड मेरे को कहा वो, एक सेकेंड, हाँ कहाँ गया यार,
चलो बस मेरे को दिख नहीं रहा, मैं अभी ज्वाइन करूंगा उसको, अभी लगाऊंगा मैं, अभी दिख नहीं रहा मेरे को, कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अगर आपसे सिंपल सी चीज पूछूं, मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, याद है? अगर हम याद करें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोड से मिल रहा है, इलेक्ट्रोड भी था वो, पता नहीं मुझे इलेक्ट्रोड का पोर्शन कहां चल गया, शायद मैं डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। तो अभी परसों की बात है, परसों की बात है, हमारा मेन मुद्दा आज वेल्डिंग पढ़ने का है। तो आपको याद होगा मैंने आपको इलेक्ट्रोड्स की कुछ ग्रेड बताई थी, अगर मैं से एग्जांपल में लूं लाइक E6013, मैंने उससे ऐसी मजे लिए, मैंने कह रहा एक बात बता, ये जो आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो स्टिक वेल्डिंग वो कर रहे थे, अभी मैं आपको सब बताऊं, मेरे पास प्लीज एक थोड़ी सी बात सुन लो, वो लोग स्टिक वेल्डिंग 3 दिन पहले की बात है, स्टिक वेल्डिंग कर रहे थे, मैंने कहा इधर 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 इधर, हाँ सर हाँ सर हाँ सर बताइए। उनका मैनेजर था, कॉन्ट्रैक्टर का मैनेजर था, हमारे साथ बड़ी कंपनीज काम करती है तो बहुत नॉलेजेबल बंदे रहते हैं। मैंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो? सर वो वेल्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा कौन सी वेल्डिंग कर रहे हो? सर आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं। मैंने बोला कौन सी वेल्डिंग कर रहे हो? सर आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं। मैंने बोला आर्क वेल्डिंग में कौन सी कर रहे हो? सर आर्क वेल्डिंग में कौन सी वेल्डिंग होती है? सर आर्क वेल्डिंग तो देख आर्क वेल्डिंग, उसने बोला सर आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं। मैंने कहा भाई आर्क वेल्डिंग तो बहुत टाइप की होती है, आर्क वेल्डिंग में कौन सी टाइप कर रहे हो? बोला सर ये आर्क क्या है मुझे तो इतना पता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कौन सी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो? सर इलेक्ट्रोड, उसको इलेक्ट्रोड याद था, उसने बोला सर E6013 हम यूज कर रहे हैं, E6013 यूज कर रहे हैं। मैंने बोला E6013 यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? सर मतलब क्या होता है? मतलब सर ये तो ग्रेड है। मैंने ग्रेड, मैंने कहा भैया इसका मतलब होता है। तो मैंने उससे पूछा तो मुझे E6013 का मतलब क्या है? तो उसने बोला सर मुझे नहीं पता। मैंने बोला देख, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, 60 का मतलब होता है उसके मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, और 103 में क्या होता है? ये दो नंबर और बचे ना, एक बताता है फ्लक्स कौन सा यूज करा है और एक बताता है पोजीशन कौन सी यूज करी है। क्या आप हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग कर सकते हो, क्या वर्टिकल वेल्डिंग कर सकते हो, क्या ओवरहेड वेल्डिंग कर सकते हो? दैट मींस इन चारों नंबर में से दो दो बताते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैंने आपसे कह रहा था जो इलेक्ट्रोड होती है वो स्टील की बनती है, हमने बहुत सारा मटेरियल पढ़े थे उसमें, तो जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हो E6013, यार ये लास्ट लेक्चर में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रोड्स की ग्रेड्स होती हैं, तो ई का मतलब पता है, ई रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोड, जो शुरुआत के दो नंबर है वो रिप्रेजेंट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। भैया टेंसाइल स्ट्रेंथ करा था ना यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है उस इलेक्ट्रोड की, और रिमेनिंग टू नंबर्स के बताते हैं, एक नंबर बताता है कि कौन सा फ्लक्स यूज करा है और रिमेनिंग नंबर क्या बताता है, मतलब रिमेनिंग दो बचे, एक बताता है कौन सा फ्लक्स यूज करा है और एक रिमेनिंग नंबर बताता है कौन सी पोजीशन पे वेल्डिंग कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, वर्टिकल कर सकते हो, वर्टिकल में भी कौन सी, वर्टिकल अप कर सकते हो या वर्टिकल डाउन कर सकते हो। तो भैया उसको ये चीजें नहीं पता थी, तो पता उसने आखिरी में क्या ला, सर ज्यादा हीरो मत बनो हमें पता है पढ़ाते हो। फिर मैं भी हंस पड़ा। उसमें से एक बच्चा बोला, एक लड़का और था सेफ्टी वाला, तो जब मैं इलेक्ट्रोड की डिटेल उससे पूछने लग गया तो पता मुझसे क्या बोला थोड़ी देर बाद, अच्छा सर अच्छा सर, एक सेकंड रुको, एक सेकंड वेट, ठीक है चालू करते हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे, तो भाई वहां पर एक सेफ्टी वाला भी था, वो बोला अच्छा सर लगता है आजकल आप वेल्डिंग पढ़ा रहे हो तभी आप इतने रिसर्च कर रहे हो, तो थोड़ा फायदा होता है मुझे भी पढ़ाने का, पढ़ाने से मेरी भी नॉलेज थोड़ी अच्छी से हो जाती है। और फिर मैं सामने वालों से पूछता हूँ, मैंने आपको बताया भी था कि एक दिन सॉइल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन में रॉक निकली, क्वार्ट्जाइट रॉक निकली। मैंने पूछा कौन से रॉक है? क्वार्ट्ज, सर मुझे नहीं पता। मैंने कहा पे क्वार्ट्जाइट रॉक है। मैंने कहा क्वार्ट्जाइट रॉक कौन से होते हैं? तो ये चीजें आप नॉलेज गेन करोगे तो आपको साइट पर अलग ही इज्जत मिलती है, और कल को पीछे से सब आपके लिए बोलते हैं यार उस बंदे को बहुत नॉलेज है, और ये स्टेटमेंट सुनना बड़ा अच्छा हमें भी फील होता है। ठीक है, तो हमें साइट पे दो ही चीजें सुनने में आती है कि सर आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैं साइट पर दो चीजें हमेशा ध्यान रखता हूँ, जो नीचे से नीचे ऑफिस बॉय भी होता है मैं उसको बहुत इज्जत देता हूँ। अगर मेरी साइट पर आप बात करोगे तो मेरा ऑफिस बॉय से लेके सबसे बड़ा ऑफिसर भी इज्जत करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि मैं सबको सामान लेके चलता हूँ। ऑफिस बॉय अगर अच्छा है इज्जत देता है तो मैं उसको बहुत इज्जत देता हूँ, बहुत प्यार रखता हूँ उसके साथ, है ना, सीनियर लेवल का भी प्यार है इसी। तो साइट पर जाओगे कल को ऑफिस में जाओगे तो सीनियर की रेस्पेक्ट हमेशा करनी है, और नीचे के नीचे से लेवल पे जो आदमी है उसकी भी इज्जत करते हुए चलना है, लेवल की इज्जत हम करते ही करते हैं ना। तो साइट पर जाओ तो ध्यान रखना इस चीज़ का, सबकी इज्जत करनी है, ऐसे नहीं आ रहे मैं तो भैया बड़ा ऑफिसर हूँ मैं तो भैया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और तभी लोग आपकी तारीफ करेंगे पीछे से, और तभी लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं
तो समझ में आ गई बात जो लास्ट टाइम हम लोग, है ना। चलो इसको अभी बाद में बात करेंगे, मैं आपको बाद में सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अब बात आती है आज हमारे वेल्डिंग की। तो मैंने आपसे पूछा, मैंने उससे पूछा, मैनेजर से, मैंने क्या बता कितने टाइप की वेल्डिंग होती है। उसने बोला आर्क वेल्डिंग होती है सर। मैंने कहा आर्क वेल्डिंग के अलावा कौन कौन सी वेल्डिंग होती है, वो गायब हो गई। तो सबसे पहले व्हाट आर द डिफरेंट, हमारी हेडिंग क्या होगी, व्हाट आर द डिफरेंट वेल्डिंग टाइप्स एंड व्हाट आर दे यूज्ड फॉर। कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग होती है और कहां कहां पर यूज होती है। मान लो मुझे पानी के अंदर वेल्डिंग करनी है तो कौन सी वेल्डिंग यूज करूंगा। कहीं पर तेज हवा चल रही है तो मैं कौन सी वेल्डिंग यूज करूंगा। अभी मैं आपसे बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि आप, अभी मैं आपसे बहुत अच्छी चीज बताता हूं, आपने सबसे ज्यादा वेल्डिंग कौन सी होते हुए देखी है। आपने सबसे ज्यादा वेल्डिंग होते हुए देखी है स्टिक वेल्डिंग। आपने सबसे ज्यादा वेल्डिंग होते हुए देखी है स्टिक वेल्डिंग, क्योंकि स्टिक वेल्डिंग ऐसी वेल्डिंग होती है जो आप तेज हवा में भी कर सकते हो। और जो चीज आज जो चीज आप देख सकते हो, दैट मीन्स वो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, मतलब खुले आसमान के नीचे हो रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। होल्डिंग क्या लिखी है, What are the different welding types and what are they used for? अगर मैं बात करता हूं स्टिक वेल्डिंग की, तो स्टिक वेल्डिंग तेज हवा में भी हो जाती है। समझे मेरी बात? अगर मैं आपसे, समझ रहे हो मेरी बात? That means अगर मान लो हम बात करते हैं MIG welding, तो MIG welding आप तेज हवा में नहीं कर सकते हो। आर्क वेल्डिंग में बहुत सारी वेल्डिंग होती है। तो ठीक है, चालू करते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप वेल्डिंग टाइप्स, कौन कौन सी वेल्डिंग टाइप्स होती है। देखो सबसे पहले होती है आपकी आर्क वेल्डिंग। सबसे पहली जो आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग है वो होती है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के बाद कौन सी होती है, फ्रिक्शन वेल्डिंग। इसमें लिखा होगा आर्क वेल्डिंग के बाद कौन सी होती है आपकी, फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग के बाद कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम, देखो आर्क वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बाद कौन सी होती है, लेजर वेल्डिंग। लेजर वेल्डिंग, और लेजर वेल्डिंग के बाद कौन सी होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जो कि इसमें शायद नहीं लिखा, मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग की बात करें, मैं इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट हो गई आपकी आर्क वेल्डिंग। अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली वेल्डिंग कौन सी होगी आपकी, आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के बाद दूसरी कौन सी होगी आपकी, फ्रिक्शन वेल्डिंग। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको बस ये लिखना है, हेडिंग डालनी है व्हाट आर द डिफरेंट वेल्डिंग टाइप्स एंड व्हाट आर द यूज फॉर। फर्स्ट आप लिखो ए, लिखो आर्क, सेकेंड लिखो आप फ्रिक्शन, कुछ इस तरीके से लिखना है, थर्ड लिखो आप इलेक्ट्रॉन बीम, फोर्थ लिखो आप लेजर, फिफ्थ लिखो आप रेजिस्टेंस। ठीक है, मेजर मेजर तो आपकी यूज होती है, उस तरीके से लिखना। अभी आपको पूरा कुछ भी नहीं लिखना, ये जब लिखना होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी बस आपको हेडिंग लिखनी है, और हेडिंग के बाद एक दो तीन चार पांच नंबर करके आपका ये सारी की सारी चीजें लिख देना। छठी और सातवीं जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत कम यूज होती है, जिसको बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड सेवन प्लाज्मा, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग कौन कौन सी होती है, आर्क वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग एंड प्लाज्मा। इसमें थोड़ी बहुत कुछ सिमिलर भी है, साथ के साथ डिफरेंट भी है, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है, बट मैं थोड़ा अलग अलग करके लिख दिया है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान होना चाहिए कि हमारी कितने कितने टाइप की वेल्डिंग होती है। और पूरी दुनिया में अगर मैं सिविल इंजीनियर्स की बात करूं, तो पूरे इंडिया के अगर मैं सिविल इंजीनियर्स में मिला लूं ना, तो उसमें से 90% पता है को बस आर्क वेल्डिंग पता होती है, रिमेनिंग की सारी वेल्डिंग्स नहीं पता होती है। बट आप मुझसे बढ़ रहे हो, पता रखो, क्योंकि आपको उन 10% में आना है जिसको सब कुछ पता होता है, उन 90% में नहीं आना जिनको बस थोड़ी, उस आर्क में भी ये पता नहीं होता भैया कौन कौन सी मिग वेल्डिंग है, टिग वेल्डिंग है, फ्लक्स कोर वेल्डिंग है, स्टिक वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग में भी दुनिया भर की वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग में भी दुनिया भर की वेल्डिंग है। तो मेजर मेजर सब टाइप की वेल्डिंग है, और अगर हम आर्क की बात करें तो इसमें अलग टाइप की वेल्डिंग है। सिंपल सी बात है। अगर अब हम सबसे पहले तो अभी लिखो सात, लिखो ये हेडिंग लिखो फर्स्ट ये, और उसके बाद सात नाम लिखो, जो भी मैं, क्योंकि बच्चे का मैसेज आया था कि सर जब से आप स्लाइड्स से आपने पढ़ाना चालू कर दिया थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है। मैंने बोला सर देखो स्लाइड्स में पढ़ाने में हमारा टाइम बचता है, अगर ये चीज अगर मैं लिखूंगा तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा। हाँ, मैं कभी भी स्लाइड्स देखकर नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे टीचर्स देखे जो पहले स्लाइड्स लगा देते हैं फिर यहाँ से पढ़ के पढ़ाते हैं। नहीं, मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा बिना देखे और फिर लिखाऊंगा, क्योंकि मुझे चीटिंग नहीं करनी कि
मेरा लेक्चर ऐसा नहीं होता भाई, लगा तो हाँ मैं देख देख के पढ़ा दूंगा, वो फर्जी टीचर्स हैं जो देख देख के पढ़ाते हैं। ठीक है जी, आगे एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे आर्क वैल्यू। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे अपनी आर्क वैल्यू। अभी आप कुछ मत लिखो, मैं सब में पढ़ाऊंगा आपको ये करके। ठीक है, अगर हम आर्क वेल्डिंग की बात करें कि आर्क वेल्डिंग होती क्या है, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर एक डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग है। अब डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग में आर्क वेल्डिंग में क्या डिफरेंस हो गया? इन आर्क वेल्डिंग वी यूज इलेक्ट्रिक करंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। दिस इज इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क। देखो जी भाई और बहनों, बहुत ढंग से समझना। अगर मैं आपसे सिंपल सी एक चीज पूछूं, इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब क्या होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक आर्क का ही मतलब लोगों को पता नहीं होगा, होता भी नहीं है। सारे बच्चों को पता है कि हाँ सर इलेक्ट्रिक आर्क करके कुछ होता है। मतलब देखो, अगर हम पूछेंगे व्हाट इज आर्क वेल्डिंग, तो सब बोलेंगे सर आर्क वेल्डिंग में आर्क का यूज रहता है। अरे भैया आर्क तो पता, आर्क क्या होता है? मैंने देखा सर, देखो लोगों देखा पढ़ाते हैं लोग इलेक्ट्रिक आर्क, देखो आर्क वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करते हैं। अरे भैया इलेक्ट्रिक आर्क होती क्या है, कैसे बनती है, पहले आपको वो तो पता करना पड़ेगा। हाँ अगर मैं आपसे थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक आर्क क्या होती है आप देख सकते हो, हाई इंटेंसिटी लाइट होती है। हाई इंटेंसिटी लाइट होती है। तो सबसे पहले अगर हम आर्क वेल्डिंग की बात करते हैं, तो आर्क वेल्डिंग में होता है इन आर्क वेल्डिंग वी क्रिएट इलेक्ट्रिक आर्क। हम आर्क वेल्डिंग में जब हम आर्क वेल्डिंग करेंगे तो हम एक इलेक्ट्रिक आर्क आर्क को फॉर्म करेंगे, हम इस चीज को फॉर्म करेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म हो जाती है, देखो जैसे अगर आप देख सकते हो, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक आर्क ये फॉर्म हो जाती है, इस इलेक्ट्रिक आर्क का ही हाई इंटेंसिटी लाइट होती है जिसका बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है और ये मटेरियल को मेल्ट कर देता है अब आपको एक चीज पता करनी है, किस तरीके से वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है, क्योंकि नहीं पढ़ते हैं हम पढ़ाएंगे घुस घुस के पढ़ाएंगे। इन आर्क मेथड वी क्रिएट इलेक्ट्रिक आर्क। किस तरीके से हम वेल्डिंग मशीन में इलेक्ट्रिक आर्क को यूज कर देते हैं? भैया सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर पेज खाली है कोई बात नहीं, हम ये बताते हैं। देखो अगर हम इलेक्ट्रिक आर्क की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक आर्क हम जनरेट करते हैं बिटवीन टू कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टू कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है? कैथोड एंड एनोड। अगर आप ध्यान से देखना ये पूरी वेल्डिंग, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो देखो इन्होंने, देखो ध्यान से देखना, ये मशीन है। अगर हम ध्यान बहुत ध्यान से देखना वेल्डिंग मशीन दिस इज वेल्डिंग मशीन। इस वेल्डिंग मशीन से आपका वेल्डिंग गन कनेक्टेड है और वेल्डिंग गन से आपकी इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है। ठीक है भाई, वही ये वेल्डिंग मशीन है। वेल्डिंग मशीन से आपका जो गन वेल्डिंग गन होता है, वेल्डिंग गन कनेक्टेड है, वेल्डिंग गन से आपकी इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है। दिस इज बेस मेटल। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहां से लेके सारा का सारा सर्किट कनेक्ट है। आप ध्यान से देखना अगर हमें पूछे आपको एक चीज तो भेजे के अंदर चल गई है कि आग का मतलब क्या होता है, एक ऐसी हाई इंटेंसिटी लाइट प्रोड्यूस होती है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। लाइक दिस, इन दिस पिक्चर इलेक्ट्रिक आर्क हैज बीन क्रिएटेड। कैसे क्रिएट हुई? जब हमने पूरा सर्किट कंप्लीट करा, आपको एक चीज भेजे के अंदर अच्छी तरीके से डाल लेनी है। आर्क हमेशा तब ही जनरेट होती है जब टू कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, अब टू कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? कैथोड एंड एनोड। देखो जी, इस दुनिया में ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप ध्यान देखोगे तो यहां पर ये इलेक्ट्रोड है कैथोड, और यहां पर ये जो बेस मटेरियल है ये आपका एनोड। मैंने आपसे क्या बोला, अगर हम कैथोड और एनोड की बात करें, आपको थोड़ा ज्ञान के बारे में आपने पढ़ा होगा,
भैया सिंपल सी बात है, इस वेल्डिंग एपरेटस में, इस अगर हम वेल्डिंग की बात करें तो वेल्डिंग में कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। और वहीं पे अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड क्या करेगा, आपको एनोड इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, इलेक्ट्रोड करेगा रिसीव करेगा। तो आप ध्यान से देखोगे जब भी हम एक ऐसा सर्किट कंप्लीट करते हैं, सबसे पहली बात हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होती है टू कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएटेड बिटवीन टू कंडक्टर्स कौन से होते हैं। अब कंडक्टर्स का मतलब होता है जिसमें लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइक मैं दे सकता हूं, अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर्स की डेफिनेशन क्या है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएटेड बिटवीन टू कंडक्टर्स, अब टू कंडक्टर्स कौन कौन से, कैथोड एंड एनोड। जैसे ही टू कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टच होते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएटेड बिटवीन टू कंडक्टर्स ऑफ, मैं इसको ढंग से लिख दूं ढंग से, चलो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएटेड बिटवीन टू कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू कंडक्टर कौन से, व्हेन दे टच ईच अदर। अब होता क्या, ध्यान से देखना, अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये हमारी वेल्डिंग मशीन है। सबसे पहले हम आर्क मेथड पढ़ रहे हैं, आर्क मेथड हम आपने क्या बताया, इन आर्क मेथड वी यूज इलेक्ट्रिक आर्क, पूरी लोग स्टील कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा लोग स्टील कंप्लीट करा देते हैं, वो ये नहीं बताते कि इलेक्ट्रिक आर्क होता क्या है, लोगों को लगता है सर इलेक्ट्रिक आर्क कुछ होता है, अरे इलेक्ट्रिक आर्क एक हाई इंटेंसिटी लाइट होती है, इतनी हाई इंटेंसिटी लाइट होती है कि जो कि मेटल को भी पिघला देती है। और ये कब क्रिएट होती है, जब आपका कैथोड और एनोड एक दूसरे के टच होते हैं, और टच होने के बाद हम इनको 2 से 3 mm दूर कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है जो कि 2 से 3 mm होता है। थैंक यू बोल रहा हूं, मुझसे इसका डिस्टर्ब रहता हूं मैं, 2 mm to 3 mm। ध्यान से देखना, यह वेल्डिंग मशीन है, इसमें आप एसी ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों यूज कर सकते हो। यह वेल्डिंग मशीन, इस वेल्डिंग मशीन से अगर मैंने आपको दिखाया था, देखो मैं वो वाला फोटो देखता हूं, मेरे पास है तो वेल्डिंग मशीन वाला, अगर मैं डिलीट ना करा हो तो देखता हूं, होना चाहिए मेरे पास, हाँ जी आ जाओ, दिस इज वेल्डिंग मशीन, ये है वेल्डिंग गन। अब ध्यान से आप देखना, देखो ये वेल्डिंग मशीन, ये वेल्डिंग गन। आ जाओ मेरे नेक्स्ट टॉपिक पर फटाफट, बिना छोड़ डिलीट नहीं, मैं डिलीट कर देता हूं, कहां गए थे हम, आ चुके थे, हाँ ठीक है। तो दिस इज वेल्डिंग गन, दिस इज वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग गन में देखो, यहां तक वेल्डिंग गन है ये, और यहां पर इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है। अब इस इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड बिहेव करती है कैथोड की तरह, कैथोड करती है जो इलेक्ट्रोड को देती है, इस वेल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, इस वेल्डिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, वेल्डिंग में जो कैथोड होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को देती है, और ये जो वर्क पीस है आपका, मतलब इस पर आपको काम, जो आपको ज्वाइन करना है, ये एनोड की तरह बिहेव करता है, एनोड इलेक्ट्रॉन्स लेता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स देता है इन वेल्डिंग, ठीक है। मैं वेल्डिंग की बात कर रहा हूं, मैं अलग प्रोसेस की बात नहीं कर रहा, मैं ओनली वेल्डिंग की बात कर रहा हूं। कैथोड ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, जो कि इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का जो नेगेटिव पोर्शन है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को देता है, जो मेटल है वो, अगर आप देख सकते हो तो ये देखो, ये जो आपको वर्क पीस है वो कनेक्टेड है, आप ध्यान से देखोगे, जिस मेटल को आप ज्वाइन कर रहे हो ना, वो वापस से इस मशीन से कनेक्टेड कर रखा है, दैट मींस ये पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी इलेक्ट्रोड हवा में थी, ध्यान से सुनना, अभी इलेक्ट्रोड हवा में थी, इलेक्ट्रोड वेल्डिंग गन से कनेक्टेड है, वेल्डिंग गन वेल्डिंग मशीन से कनेक्टेड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस मेटल को मैं ज्वाइन कर रहा हूं वर्क पीस को, वो वापस से वेल्डिंग मशीन, दैट मींस यहां पर एक पूरा सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया। इलेक्ट्रिक आर्क तभी जनरेट होगी जब आपका पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। अगर आप देख सकते हो तो हमने अपना पूरा, अब क्या होता है, अभी तो हवा में, अब जैसे ही मैं टच करूंगा, देखो ना, इलेक्ट्रोड मेटल, ये वापस से मेटल वेल्डिंग मशीन की अर्थिंग से भी कनेक्टेड है, तो हमने पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब हमने इलेक्ट्रोड क्या कर रखी है, हवा में रखी हुई है, हमने इलेक्ट्रोड हवा में रखी हुई, मेरी बात ध्यान सुनना, हमने इलेक्ट्रोड हवा में रखी हुई है। अब जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रोड को, जो हमारा मेटल पीस है, बेस मेटल है जिसको मुझे करना है, जैसे मैं टच करूंगा, स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा, अरे एक चीज बताओ, बिजली के तारों में भी तो स्पार्किंग होती है, बिजली के तारों में भी तो स्पार्किंग होती है ना, चिंगारी निकलती है। तो हमने क्या करा, पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया, और जैसे मैं सबसे पहले आर्क वेल्डिंग की बात कर रहा हूं, इन आर्क वेल्डिंग वी जनरेट इलेक्ट्रिक आर्क। व्हाट इज इलेक्ट्रिक आर्क, हाई इंटेंसिटी लाइट,
विच प्रोड्यूसेस हाई हीट, और ऐसी हीट जो मेटल को भी पिघला देता है। कितना अच्छा पढ़ाता हूं मैं, थैंक यू बोलो मुझको, मत बोलो चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या होता है, आपने पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया और जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड को बेस मेटल से टच करा, स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग करने के बाद हम 2 से 3 mm दूर कर लेते हैं, क्योंकि तब तक हमारी इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट हो जाती है, और इस इलेक्ट्रिक आर्क से हम लोग मेटल को पिघलाते हैं, और पिघलाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मटीरियल को ज्वाइन करते हैं बाय यूजिंग फिलर, बाय यूजिंग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, बाय यूजिंग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक आर्क होती है ये बहुत हाई करंट की होती है, दैट मींस हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक, मैं मिटा दूं इस पूरे को अगर आप लिख मेरी राइटिंग, आप इसको लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं आपको, पूरे इंडिया में आज तक आपको किसी ने बताई नहीं होगी चीज। ठीक है जी, अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक, देखो तो सारी जब लिखी होगी, देखो हमें एक चीज क्लियर हो चुकी है कि सर जो आपकी इलेक्ट्रिक आर्क होती है वो हाई इंटेंसिटी जो हमारी इलेक्ट्रिक, दैट मीन इलेक्ट्रिक, यार तो पेन का होता है बड़ा बार चेंज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक और वेल्डिंग आर्क। अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक और वेल्डिंग आर्क की बात करूं तो आपको भेजे में क्या आगे कि सर ये तब प्रोड्यूस होती है बिटवीन टू कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स कैथोड और एनोड जब कॉन्टेक्ट में, जब कैथोड और एनोड कॉन्टेक्ट में आती है, जब कैथोड और एनोड कॉन्टेक्ट में आती है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और एकदम से स्पार्किंग होती है, फिर एक 2 से 3 mm दूर कर दो, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट हो जाती है। अब देना वेल्डिंग हल्की सी दूर रखी जाती है हल्की सी, ठीक है जी, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करोगे तो स्पार्किंग होती रहेगी, कंटिन्यू में तो स्पार्किंग होती रहेगी, तो हल्का सा हम इलेक्ट्रोड को दूर कर लेते हैं 2 से 3 mm, इलेक्ट्रिक आर्क आपकी जनरेट हो जाती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आर्क के बारे में आपको भेजे का क्या रखना है कि ये बहुत हाई इंटेंसिटी लाइट होती है, प्लस ये हाई करंट एंड लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब करंट एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक और वेल्डिंग आर्क की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहां पर करंट एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। भाई डिस्चार्ज क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर जाना, डिस्चार्ज का मतलब तो यही है। तो इलेक्ट्रिक आर्क क्या है, एक ऐसी इस पोटेंशियल लिख देता हूं, हमारा इसकी डेफिनेशन लिख लो, किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी, बड़ी बड़ी किताबें भी खोलना, हाई इंटेंसिटी डेफिनेशन लिख रहा हूं, लाइट प्रोड्यूसेस हाई हीट और क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, मतलब करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, और ऐसा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, ऐसा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है जिसका बहुत हाई करंट होता है, दैट मींस हाई करंट एंड लो वोल्टेज, हैविंग हाई करंट एंड लो वोल्टेज। समझ के, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको जो कॉलेज में पढ़ाते होंगे उनके भी आप मजे ले सकते हो। अगर आप अभी थर्ड ईयर में ही हो तो अपने प्रोफेसर से पूछना कि सर ये आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रिक आर्क बनती है ना, बनती क्यों है, और सर इसका कितना कितना इसके अंदर करंट होता है, क्या वोल्टेज है। तो इलेक्ट्रिक आर्क हम डिवाइड करते हैं हाई करंट लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। अगर हम इसके करंट की बात करते हैं तो 10 से लेके 2000 एम्पियर होता है। क्या कहते हैं, देखो अगर हम करंट की बात करें तो करंट इसमें कितना होता है, 10 से लेके 2000 एम्पियर, इतना करंट होता है। भाई करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर्स, और जो वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज होता है लो और लो वोल्टेज कितना होता है आपका 10 से 50 वोल्टेज। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक, मैंने आपके भेजे में घुसा दिया है, किसी आईटी के प्रोफेसर से बात करोगे तो उसको तो सब कुछ पता होगा, आईटी प्रोफेसर को, सारी आईटी के प्रोफेसर के सामने मैं तो एक कीड़ा भी नहीं हूँ, इतने बड़े होते हैं वो लोग, आईटी के प्रोफेसर के सामने मैं तो एक मच्छर भी नहीं हूँ, मैं तो बैक्टीरिया भी नहीं हूँ, वायरस भी नहीं, छोटा सा कुछ भी नहीं उनके सामने। अगर ये चीज आप आईटी के प्रोफेसर, आप किसी आईआईटी में हो और कोई स्टील का प्रोफेसर है और आप उनसे चीजें डिस्कस करोगे ना, तो उसको इतनी खुशी होगी कि यार मेरे इंडिया में भी लोगों को इतनी नॉलेज है, उसको बहुत खुश, उन प्रोफेसर को बहुत खुशी होगी। तो भैया पढ़ पढ़ा के और टीचर से डिस्कस करा करो, हाँ बट किसी के मजे नहीं लेने, कुछ कुछ नए नए टीचर बन जाते हैं, जस्ट पास आउट हुए टीचर बन गए, उनको तो बेचारों को कुछ आता नहीं है, तो उनके मजे भी नहीं ले रहे,
होता है ना आजकल, क्या है भाई पास आउट हुए पढ़ाने लग के, उनके मजे नहीं लेने हैं। हाँ, जिसको नॉलेज है उसे डिस्कस करना है, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से मैं आपको इन चीजों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। आप इसको लिख लो क्योंकि आपके काम आएगा, और हो सकता है किसी भी किताब में, मैंने वोल्टेज और करंट लिखाना है लिख लो, किसी भी जगह आपको मिलेगा नहीं है। अब सुनो, तो लिख लिया, भेजे के अंदर बात बैठा लेनी है। पहली बात तो वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग कौन सी होती है, क्या क्या डिस्क, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग लाइक आर्क, फ्रिक्शन, लेजर, रेजिस्टेंस, एटॉमिक हाइड्रोजन, प्लाज्मा वेल्डिंग, इनमें अभी सबसे पहली उठाई है आर्क, और आर्क में भी अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। तो मैंने आपको आर्क वेल्डिंग का मतलब समझा दिया। हाँ, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन आपने लिख ली, मेरे ख्याल से लिख ली होगी। आर्क वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ वेल्डिंग यूजिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क टू क्रिएट हीट टू मेल्ट एंड जॉइन मेटल्स। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला एसी डीसी दोनों हो सकता है। अब पावर सप्लाई क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन अ कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल का मतलब क्या है, कैथोड इलेक्ट्रोड। भाई इन्होंने क्या बात करा, बिटवीन किस किसके बीच में करनी होती है, इलेक्ट्रोड और बेस, जो आपका बेस मटीरियल है ना, आर बिटवीन कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल। नॉन कंज्यूमेबल कौन सा होगा, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, मैंने आपको बताया टीआईजी एमआईजी मेटल इनर्ट बेस, ठीक है, अभी बात करेंगे। एंड द बेस मटीरियल यूजिंग आइदर डीसी और अल्टरनेटिंग करंट, ये चीज तो मैं आपको बोल बोल के पढ़ा चुका हूं, अब लिखे भाई वाली ऊपर वाली डेफिनेशन, अब आगे की बात करते हैं। तो आर्क वेल्डिंग में मेरी जो सबसे, अगर आप एक चीज नोटिस नहीं करी तो इधर आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूं, चलो मैं आपको आगे बताता हूं, चलो छोड़ो पीछे चलो। तो आर्क वेल्डिंग में आपकी सबसे पहली जो वेल्डिंग है वो कौन सी है, एमआईजी वेल्डिंग। सबसे पहली जो वेल्डिंग हमारी कौन सी, एमआईजी वेल्डिंग। एमआईजी वेल्डिंग मतलब क्या होता है, मेटल इनर्ट गैस, मेटल इनर्ट गैस, ये आर्क वेल्डिंग का टाइप है। हमारी सबसे पहली जो वेल्डिंग है, हमारी सबसे पहली जो वेल्डिंग है वो है आपकी मेटल इनर्ट गैस। आप जो वेल्डिंग देखते हो नॉर्मली, आप देखते हो स्टिक वेल्डिंग, जिसमें क्या होता है, एक स्टिक होती है, उस स्टिक को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और उस इलेक्ट्रोड में वो इलेक्ट्रोड आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। अब अगर हम एमआईजी वेल्डिंग की बात करें, एमआईजी वेल्डिंग की पहली बात तो क्या होगी, मेटल इनर्ट गैस, इसको हम क्या बोलते हैं, गैस मेटल जीएमएडब्ल्यू, इसके भी बोलते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ये दो नाम अलग रखना, एमआईजी वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग का एक पार्ट है, एमआईजी वेल्डिंग आर्क मेटल का एक टाइप है, और एमआईजी वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, एमआईजी वेल्डिंग में हमें गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं, बहुत पहले आया था ये, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसमें क्या काम होता है, सब कुछ सेम होता है। सबसे पहली बात, अगर आपको स्टिक वेल्डिंग याद हो तो मैंने आपको बताया था कि स्टिक वेल्डिंग में गैस की जरूरत, हमें चीज चाहिए होती है शील्डिंग गैस। मैंने आप लोगों से बात डिस्कस कर दी कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं, जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो जब हम वेल्डिंग करके स्टील को मेल्ट कर देते, जरूरी है स्टील, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, हम तो चलो स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में जनरली स्टील यूज होता है, तो वेल्डिंग प्रोसेस मटेरियल को मेल्ट करता है। तो क्या होता है, आपका जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो उस स्टील के अलॉयज में, जो स्टील के अंदर अलॉयज प्रेजेंट होते हैं, तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारा जो मटेरियल है वो मेल्ट हो जाता है, और उसके जो अलॉयज है वो थोड़ी लूज स्टेट में आ जाते हैं, इस कारण जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो हमारे मेल्टेड स्टील अलॉय से रिएक्ट करने की कोशिश करता है, और करता है ऑक्सीडेशन, और करता है ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेशन से कोरोजन हो जाता है, और कोरोजन से आपकी स्ट्रेंथ रिड्यूसेस, स्ट्रेंथ हो जाती है, रिड्यूसेस स्ट्रेंथ, सही बात है, बात बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे सिंपल सी बात यूज करूं, जो आप बोल रहे थे, अब देखो अगर हम इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको दिखाता हूं, आपको सब याद रखना, जो आप देखते हो वो थी स्टिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड्स का नहीं हमारी, सर मैंने इलेक्ट्रोड्स लगाई तो थी, कहीं वो इलेक्ट्रोड्स कहां गई यार, मैंने इलेक्ट्रोड्स लगाई तो थी, मैं डिलीट करता हूं, मेरे बीच में कुछ चीज है, मैं दिखाता हूं आपको, चलो चल गई थी, ठीक कोई बात नहीं। अगर हम इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो इलेक्ट्रोड्स आपको पता है, हमने स्टिक वेल्डिंग जो नॉर्मली आप देखते हो, आदमी एक स्टिक को वेल्ड करता रहता है, उस स्टिक के ऊपर ही फ्लक्स लगा हुआ होता है,
उस स्टिक के ऊपर ही फ्लक्स लगा हुआ होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें MIG मेटल इनर्ट गैस के बारे में, तो इस MIG वेल्डिंग में, इस MIG वेल्डिंग में हमें हमारे हम क्या करते हैं, अगर हम मोटी मोटी बात करें, हम यूज करते हैं एक तो वायर एंड दूसरा गैस। होता क्या, मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है। वेल्डिंग गन जो होती है, इस वेल्डिंग गन में वायर लगा हुआ होता है, वायर इलेक्ट्रोड, एक पतला सा वायर होता है। अगर हम स्टिक वेल्डिंग की बात करें, तो स्टिक वेल्डिंग में तो मोटी सी इलेक्ट्रोड होती है, लाइक E6013 वो एक इलेक्ट्रोड थी। अगर हम MIG की बात करें, तो इसमें मोटी सी इलेक्ट्रोड ना होकर क्या होता है, पतला सा वायर होता है। क्या होता है, पतला सा एक वायर यूज होता है। ये वायर एज अ फिलर, क्योंकि MIG क्या, कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा अभी, आप टेंशन ना नहीं लेने का बिल्कुल भी, हम पूरा वीडियो डिस्कस करेंगे। इस MIG वेल्डिंग की अगर हम बात करें, तो इसमें एक वेल्डिंग गन होती है, उस वेल्डिंग गन के अंदर एक पतला सा वायर होता है जो इलेक्ट्रोड होता है, और इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, वो मेल्ट होता है और बेस मटेरियल पर चिपक जाता है। दैट मींस इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो मेल्ट होती है, वो कंज्यूम होती है, जो कि बेस मटेरियल, दैट मींस जिन मेंबर्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं उनके ऊपर जाकर चिपक जाएगा वो। याद रखना, जो इलेक्ट्रोड होती है मोटी सी, वो आप स्टिक वेल्डिंग में देखते हो, यहां पर स्टिक वेल्डिंग नहीं है, ये MIG वेल्डिंग है, इसमें स्टिक यूज नहीं होती, इसमें वायर यूज होता है। इसमें क्या यूज होता है, इसके अंदर वायर यूज होता है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम वायर की बात करें, MIG वायर्स, वेल्डिंग वायर्स होते हैं, और ये पतले पतले से वायर होते हैं, जो कि किस किस के बने होते हैं, कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं, स्टेनलेस स्टील, मैं लिख देता हूं, मेड ऑफ कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं है MIG के बारे में। MIG वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड नहीं होती, पतला सा तार होता है, क्या होता है, पतला सा तार होता है, किसकी बनी होती है, कार्बन स्टील की बनी हुई होती है, एल्यूमिनियम स्टील की बनी हुई होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है, स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील, भेजे में डाल लेना है। अब देखो, अगर हम स्टिक वेल्डिंग की बात करते हैं, वो भी एक आर्क वेल्डिंग है, स्टिक वेल्डिंग भी आर्क वेल्डिंग का ही पार्ट है, बट स्टिक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड के ऊपर एक फ्लक्स चिपका हुआ होता है, उस फ्लक्स से क्या होता है, उस फ्लक्स से हमारा कोरोजन या ऑक्सीडेशन, मतलब दैट मींस वो फ्लक्स क्या करता है, हमारा जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसको नहीं होने देता। बट MIG वेल्डिंग में जो पतला सा तार होता है, इसके ऊपर कोई फ्लक्स नहीं होता, इसके ऊपर कोई भी फ्लक्स नहीं होता, तो हम इसमें एडिशनल गैसेस प्रोवाइड करते हैं, शील्डिंग गैसेस। कौन कौन सी शील्डिंग गैसेस है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, 75-25 का मतलब क्या हो गया, 75% आर्गन एंड 25% कार्बन डाइऑक्साइड, 25% कार्बन डाइऑक्साइड, तो 75% तो आपका आर्गन हो गया, 25% आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है जी। कौन, तो ये याद रखना कि MIG वेल्डिंग में एक तो इलेक्ट्रोड यूज होती है, जो कि एक पतला सा तार होता है, जो कि मेड होता है कार्बन स्टील का, एल्यूमिनियम का, स्टेनलेस स्टील का, और एक शील्डिंग गैस होती है। शील्डिंग गैस का काम क्या होता है, ताकि वो हमारी मेल्टेड स्टील को, ताकि उसके जो मेल्टेड स्टील के अलॉयज है, वो एनवायरमेंट के ऑक्सीजन नाइट्रोजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन करके कोरोजन ना करके स्ट्रेंथ डिक्रीज ना करके, तो यहां पर हम एक गैस यूज करते हैं, उस गैस का नाम क्या है, आर्गन, जिसको बोलते हैं शील्डिंग गैसेस, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, 75% आर्गन, मिक्स गैस जो होती है 25% आर्गन, और लास्ट में हीलियम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो मैं लिखा रहा हूं सेम वो, ये आर्क मेटल है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी है, देखो ये भी आर्क मेथड MIG वेल्डिंग जो होती है आपकी आर्क मेथड है, और आर्क मेथड तो भैया हम आर्क मेथड का तो सिंपल सा एक ही फंडा है, आर्क मेथड का तो सिंपल सा एक ही फंडा है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करूंगा, इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोड्यूस करूंगा, और इलेक्ट्रिकल आर्क से मटेरियल को पिघलाऊंगा, ठीक है जी। अब देखते हैं कहां से लिखना है, ठीक है, MIG वेल्डिंग और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, क्योंकि इसमें गैस यूज करी जाती है। हाँ, आपकी जो स्टिक वेल्डिंग होती है, जो आप देखते हो, उसमें कोई गैस यूज नहीं होती, उसके ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स होता है, तो उसमें हमें किसी भी शील्डिंग गैस की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स जो आप देखते हो ना, कोई भी आदमी स्टिक वेल्डिंग करता रहता है, उसमें कोई गैस की जरूरत नहीं है, उनको बस इलेक्ट्रोड लगा देनी है, और लगाने के बाद आपको गैस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स ही शील्डिंग गैस की तरह, वो फ्लक्स ही शील्डिंग गैस बना देता है ना जी। इसलिए आपने देखा होगा स्टिक वेल्डिंग सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है जी।
अब देखो मैं जो जो मैं लिख रहा हूं, MIG welding also known as gas metal arc welding, it is a semi automatic process and requires high electricity. Electricity मैंने आपको बता दिया क्या-क्या current होता है welding आपका, requires electricity to produce heat and electrode. इसमें अब MIG में जो electrode होती है वो consumable होती है, और electrode इसमें पतले तार की तरह होती है, and electrode to fill the joints. That means जो भी आप melt करोगे, जो temperature से electric arc जो melt करेगी वहां पर हम fill करेंगे. इलेक्ट्रोड पिघल जाएगी, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, पतला सा वायर होता है ये, और ये जहां पर आप पिघला के गैप बना दोगे उस गैप को ये फिल कर देगा. एंड शील्डिंग गैस टू प्रोटेक्ट द वेल्ड फ्रॉम एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन है ना, ठीक है. MIG वेल्डर यूटिलाइज कॉन्स्टेंट डीसी करंट, इसमें जो करंट मेरे क्या होगा, वेल्डिंग में एसी और डीसी दोनों यूज होता है. MIG में हमारा कौन सा करंट यूज होता है, डीसी करंट है ना, कौन सा करंट यूज होता है, डीसी करंट. While wire and gas are fed continuously through the welding gun and gun trigger is depressed. ठीक है, मतलब दबा के तो उसमें gun trigger होता है. अब आप वो एक एक क्या चीज, अब देखो ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला कि MIG में, ये रहा MIG, this is MIG, gas metal arc welding, ठीक है. अगर आप gas metal arc करें तो देखो तार कितने कितने के होते हैं, देखो diameter of wire, अगर आप देख सकते हो diameter of wire, अगर आप देख सकते हो diameter of, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं MIG, और देखो दो टाइप की होती है, एक तो स्प्रे ट्रांसफर और एक होता है शॉर्ट सर्किटिंग ट्रांसफर. तो हम दोनों को पढ़ते हैं क्या क्या होता है. देखो एमएचएल इसमें एक में बड़ा आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाए क्योंकि कुछ ज्यादा ही डिटेल्स हैं, तो इतना ज्यादा डिटेल में मतलब हम MIG की बात करते हैं. अगर MIG की बात करें तो जो इलेक्ट्रोड होती है पतला सा डायमीटर होता है, कितना होता है 0.35 इंचेस या 0.9 mm, 0.9 mm का वायर होता है, क्या होता है 0.9 mm का वायर होता है, या फिर 0.45 इंचेस या फिर 1.14 mm का वायर होता है. देखो कितना वोल्टेज प्रोवाइड करना है 30 से 34, कितना करंट अप्लाई करना है 180 से. ये मशीन देखो आपको दो टेम्परेचर याद रखने पड़ेंगे, एक तो होता है इलेक्ट्रिक आर्क का टेम्परेचर और एक होता है इलेक्ट्रिक आर्क का एम्पियर्स जो कि ज्यादा होता है, और एक होता है वेल्डिंग मशीन में आपको कितना करंट लगाना है. भाई वेल्डिंग मशीन का आप समझ रहे हो, वेल्डिंग मशीन का हमें करंट प्रोवाइड करना पड़ता है कि इतना करंट हमें प्रोवाइड करना ही है. और मैंने आपको क्या बोला, ये सारा प्रोसेस लो वोल्टेज एंड हाई करंट होता है. अगर हम इलेक्ट्रिक आर्क की बात करें तो इलेक्ट्रिक आर्क क्या होती है, हाईली करंट एंड लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है जी. तो अगर हम दोनों की बात करें तो आप देख सकते हो कि अगर हम MIG की बात करें तो इसमें 9.9 mm का वायर या 1.14 का वायर, और अगर वोल्टेज की बात करें तो वेल्डिंग मशीन में दे रहा है 28 से 32 या 30 से 34, बट जो करंट दे रहा है वो आपको 180 से 220 एम्पीयर. और अगर हम बात करें इसमें गैस की तो आप देखो ध्यान से 75% आर्गन प्लस 25% कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है 75% आर्गन 25% कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये इसके स्पेसिफिकेशन है जो कि आपको लिखने हैं, ठीक है. अब मेरे को लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है. अब मैं आपको इसका एक वीडियो दिखा रहा हूं, और उस वीडियो से MIG वेल्डिंग का पहले आप एक पूरा टेबल बना लेना जो भी लिखा हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा MIG के बाद में आपको TIG पढ़ाऊंगा, तो आप अगर पूरे को भी लिख लोगे, इनमें से बस एक को लिख लेना, इसको लिख लो आप, इनमें से आप करो बस इस वाले को, नीचे वाले को लिख लो आप, है ना. MIG शॉर्ट सर्किटिंग, हम शॉर्ट सर्किटिंग वाला करेंगे. ये देखो आप एक ये वाला बना लो, और सॉरी आप एक ये वाला बना लो, और आप एक ये वाला पूरा चार्ट बना लो जिसमें पता लग जाएगा कौन सी गैस है. बहुत ही अच्छा चार्ट है, किसी भी किताब में देखे नहीं लिखा हुआ है. आप और एक सेकंड को देख रहे हो, उसके पहले क्या लिखा हुआ था, हाँ ये तो आप आर्क वेल्डिंग का लिख ही लिया होगा. सबसे पहले डालो MIG वेल्डिंग, सबसे पहले आप डालो MIG वेल्डिंग, ठीक है. MIG वेल्डिंग आप डाल दो, पूरे का पूरा लिखो उसे MIG वेल्डिंग को, पूरा लिखो, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको. अच्छा लिख लिया आपको है ना, पॉज करके लिखना है, पॉज कर लेना फिर लिखना. अब इसको लिखो, सॉरी ये लिख लिया आपने, अभी पूरा टेबल बनाओ, पूरी की पूरी टेबल बनाओ, और इसके बाद अब मैं दिखाऊंगा आपको पूरा का पूरा एक वीडियो. पूरा लिख लो, मुझे वो वीडियो लगाना पड़ेगा, तो आप मुझे 2 मिनट दो, फिर मैं उस वीडियो को अच्छे से लगा देता हूँ, ठीक है जी. चालू करते हैं, अगर आप देख सकते हो तो वीडियो मैंने लगा दिया है, ठीक है जी. इस वीडियो में आप देख सकते हो, अगर हम आगे डिस्कस करें तो ये वेल्डिंग गन है, ठीक है जी, दिस इज वेल्डिंग गन, और ये है वो वायर, पतला सा वायर, ठीक है जी, ये पतला सा वायर है, ये आपकी इलेक्ट्रिक गन है. मैं वीडियो को चालू कर रहा हूँ, आप इसको देख कर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, देख रहा हूँ. The American Welding Society calls this process gas metal arc welding, or GMAW. सब बताया मैंने आपको. You might also hear it called wire welding.
ये पतला सा वायर है आपका, जो कि इस फीडर की फीडर मशीन होती है, यहाँ से पतला वायर निकलता रहता है। देखो पतला वायर आपका निकल रहा है और पतला वायर आपका इलेक्ट्रिक गन में जाकर जा चुका है। ठीक है जी, देखते हो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, ये बहुत अच्छा वीडियो है ये। ठीक है, वेल्डिंग गन है आपकी और ये पतला सा वायर जो निकला हुआ है, जो मैंने आपको डायमेंशन बता दी 0.9 mm या 1.14 mm। ठीक है, और ये पतला सा वायर आपका इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म कर रहा है जगह। देखो ये देखो, इसने इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म कर दिया यहाँ पर इस जगह। देखो दूर है ये, पास में नहीं है, दूर है, हम 2 से 3 mm दूर रखते हैं। ठीक है जी, टच करके बेस मेटल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और जो फिलर मेटल है वो हमारा पतला वायर है, जो फिलर मेटल है वो हमारा पतला वायर है और जो बेस मेटल में ज्वाइन करना है। ठीक है जी, और ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है जो कि हम लोग ढंग से पढ़ चुके हैं, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। पतला सा वायर निकल के जा रहा है, ये पर निकल वायर इलेक्ट्रोड होती है आपकी, कंड्यूट लाइनर जिसमें फिक्स होता है ये, उसमें कंड्यूट लाइनर बोलते हैं इसको। ठीक है, देखते हो वेल्डिंग कर रही है। अब देखो देखो हमने क्या बात डिस्कस करी, बहुत अच्छी चीज बताई इसने। होता क्या है कि इसमें आपका गैस निकलती है, तो जो आपका नोजल होता है ना, नोजल के अंदर से ही गैस निकलती है, इसके अंदर छेद होते हैं, छेद देखो भी सके इनके अंदर से, क्योंकि इसमें फ्लक्स तो होता नहीं है, इसके अंदर आपका फ्लक्स तो होता नहीं है, तो इसके अंदर क्या होता है आपका, इसके अंदर आपकी गैस होती है जो कि इस नोजल, जो इलेक्ट्रिक गन है उसके अंदर एक नोजल होता है, उससे ही निकलती है। ठीक है जी, देखते हो। शील्डिंग कैसे कर रही है आपकी, सिलेंडर्स होते हैं शील्डिंग गैस के, इस तरह के सिलेंडर्स आते हैं। अब आपको ध्यान से देखना, जब हम स्टिक वेल्डिंग करते हैं तो उसमें हमें कोई गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती है, बट इसमें हमें सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रेगुलेटर होता है सिलेंडर के अंदर, हम देख सकते हैं यहाँ से हम वोल्टेज और करंट को, जो हमने वोल्टेज और करंट मैंने आपको बताया था, वोल्टेज और करंट यहाँ से हम सेट कर देंगे मशीन का, कि कितना हमें उस मशीन में, जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि वोल्टेज जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन है उसमें हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज देंगे और एक पर्टिकुलर करंट देंगे, तो हम इस मशीन से फिक्स कर देंगे। देखो पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है इसका, अगर आप देखोगे तो पूरा सर्किट कंप्लीट है इस जगह, बाकी मैंने आपको बताई दिया है कोई बड़ी चीज नहीं इसमें। देखते जाओ, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा पता लग चुका होगा कि MID वेल्डिंग कैसे होती है, किस तरीके का ऑपरेटर होता है इसका। अब हम पढ़ते हैं इस थोड़ा वीडियो को, मुझे आपसे बैक करना पड़ेगा। अब हमें पढ़नी है टिग वेल्डिंग, टंजस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है जी, इसको चालू करते हैं, रुको मैं पॉज करता हूं एक बार, मेरे को लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया MIG वेल्डिंग आपका स्टील के लिए, तो MIG वेल्डिंग डिटेल्स आपको पता लग चुकी है। हाँ, पता करते हैं, बात करते हैं यूजेस की, तो सबके लिए यूज कर सकते हो, स्टील के लिए यूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम के लिए यूज कर सकते हो, स्टेनलेस स्टील के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी, पर आपको एक बात स्पेशली ध्यान रखनी पड़ेगी कि MIG वेल्डिंग हमेशा पैक्ड जगह पर करी जाती है जहां पर हवा ना चले, क्यों, क्योंकि इसके अंदर से गैस भी निकलती है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात, आपको मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि MIG वेल्डिंग क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेरी वेल्डिंग आती है वो आती है मेरी टिग वेल्डिंग, टंजस्टन इनर्ट गैस। अब अगर हम टंजस्टन इनर्ट गैस की बात करें, मैं लिख देता हूं टंजस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, अगर हम TIG वेल्डिंग की बात करें तो ये बहुत मुश्किल होती है, प्लस ये सबसे हाई क्वालिटी वेल्ड देती है। आर्क वेल्डिंग में जो सबसे हाई क्वालिटी वेल्ड होती है वो TIG वेल्ड होती है, हाई क्वालिटी वेल्ड, हाई क्वालिटी वेल्ड। TIG वेल्डिंग आपकी सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वेल्ड होती है, बट इसको करना उतना ही मुश्किल होता है। सबसे पहली बात, हम इसमें यूज करते हैं जो इलेक्ट्रोड, अगर हम बात करते हैं स्टिक वेल्डिंग की या फ्लक्स कोर वेल्डिंग की, देखो फ्लक्स कोर वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग, MIG, Flux, and Stick Welding. इनमें जो इलेक्ट्रोड यूज होती है वो होती है कंज्यूमेबल। ये तीनों की तीनों किस टाइप की है? तीनों की तीनों हमारी आर्क वेल्डिंग है। भाई तीनों जो वेल्डिंग है हमारी, तीनों की तीनों वेल्डिंग कौन सी वेल्डिंग है? सर तीनों की तीनों आर्क वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग में जो चौथी होती है वो होती है TIG वेल्डिंग। TIG वेल्डिंग नॉन कंज्यूमेबल होती है। TIG वेल्डिंग इज
नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, क्योंकि टंजस्टन का खुद का इतना हाई टेम्परेचर, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, टंजस्टन इजिली मेल्ट नहीं होता है। टंजस्टन का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो टंजस्टन एक मेटल है टंजस्टन, जो इजिली हाई इजिली मेल्ट नहीं होता है। अब टीआईजी, अब देखो अगर हम बात करें तो उसमें होता क्या, वही एक वेल्डिंग गन होती है, वेल्डिंग गन में टंजस्टन इलेक्ट्रोड होती है, और जो आपका वायर है, जो फिलर है, उसमें इलेक्ट्रोड ही फिलर था। अगर हम एमआईजी की बात करते हैं तो एमआईजी में इलेक्ट्रोड ही फिलर होता है, बट टंजस्टन में दो तरीके की वेल्डिंग होती है, चाहो तो ओनली मेल्ट करके ज्वाइन कर दो। टंजस्टन में क्या होता है, आपके पास दो चॉइसेस होती है, चाहो तो बिना फिलर के ज्वाइन कर दो, और अगर आपको इसमें फिलर लगाना है तो फिलर एक हाथ में पकड़ना पड़ेगा। वेल्डिंग गन इस तरीके से होती है, एक हाथ में फिलर वायर होता है, एक हाथ में वेल्डिंग गन होती है, और वहीं पर अगर हम उसकी बात करें एमआईजी वेल्डिंग की, तो गन के अंदर ही फिलर था, इलेक्ट्रोड थी। इसमें जो इलेक्ट्रोड होती है वो नॉन कंज्यूमेबल होती है, दैट मींस मेल्ट नहीं होती, बस वो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने के काम आती है। और अगर चाहे तो टीआईजी वेल्डिंग हो विदाउट फिलर और विद फिलर करें, बट अगर आपको इसमें फिलर यूज करना है तो आपको दूसरे हाथ से इसमें फिलर यूज करना पड़ेगा। और हमें हमारे हम बोलेंगे सर हम इतनी मेहनत क्यों करें, क्योंकि सबसे हाई क्वालिटी वेल्ड जो होती है वो टीआईजी वेल्डिंग होती है। पढ़ते हैं क्या लिखा है इसने, टीआईजी वेल्डिंग आल्सो नोन एज गैस कंजस्टन, जैसे उसमें क्या था गैस है ना, वो उसी तरीके से भी है। टीआईजी वेल्डिंग आल्सो नोन एज गैस कंजस्टन आर्क वेल्डिंग जीटीएडब्ल्यू, अगर आप इधर आप ध्यान से देख सकते हो तो इसमें क्या लिखा था जीएमएडब्ल्यू, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, और ये क्या गैस कंजस्टन आर्क वेल्डिंग, ये भी एक आर्क वेल्डिंग है, ध्यान से रखना। अभी मैं आपको बस आर्क वेल्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, आपको अपने भेजे में अच्छी तरीके से बात करनी पड़ेगी कि अभी की तारीख में मैं आपको आर्क वेल्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। टीआईजी वेल्डिंग आल्सो नोन एज गैस कंजस्टन आर्क वेल्डिंग इज अ मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस दैट रिक्वायर्स द वेल्डर टू यूज टू हैंड्स, दो हाथ यूज करने पड़ते हैं, एक में वेल्डिंग गन होती है और एक में फिलर पकड़ना पड़ता है। ठीक है, फिलर वही है मेटल आपका स्टील का, अब जो इसमें जो वायर होता है सेम है, स्टील का वायर हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, कॉपर का हो गया, सबके वायर इसमें बने हुए होते हैं। हाँ, अगर मैं स्टील मेंबर्स को ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं स्टील का ही वायर लूंगा, अगर मैं स्टील मेंबर्स को ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं स्टील का ही वायर लूंगा। ठीक है, वन हैंड होल्ड्स द टीआईजी टॉर्च, मतलब वेल्डिंग मशीन वेल्डिंग गन दैट प्रोड्यूसेस द आर्क, एंड द अदर हैंड इज यूज्ड टू ऐड द फिलर मेटल टू वेल्ड जॉइंट्स। टीआईजी वेल्डिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत मुश्किल होता है, बट इट इज मोस्ट वर्सेटाइल, सबसे बेस्ट होता है व्हेन डन करेक्टली। टीआईजी वेल्डिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट क्वालिटी वेल्ड, इट इज हेल्थली, देखो जो सबसे ज्यादा, देखो कोई ऐसा जॉइंट है जहां पर बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशंस हैं, जिसके टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लाइक हमें अगर आर्क वेल्डिंग यूज करनी है और हमें पता है कि यार यहाँ पर है ना बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हैं, सब कुछ है, तो हम वहां पर टीआईजी वेल्डिंग यूज करेंगे, क्योंकि टीआईजी वेल्डिंग की क्वालिटी सबसे ज्यादा होती है। इट इज हेवी यूटिलाइज्ड फॉर क्रिटिकल वेल्डिंग जॉइंट्स, ठीक है, जहां पर आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रखनी है कि वेल्डिंग बिल्कुल भी टूटी नहीं चाहिए। तो अब इसमें कॉमन सेम इसमें वही है, शील्डिंग गैस निकलती है, वायर ओनली जो फिलर है हमें दूसरे हाथ से पकड़ना पड़ेगा, शील्डिंग गैस कौन सी आपकी आर्गन हीलियम एंड आर्गन हीलियम मिक्सचर, 75-25% का आर्गन हीलियम और आर्गन हीलियम मिक्सचर दोनों का मिक्सचर 75-25% का रेशियो, अगर आप देख सकते हो तो इधर आ जाओ। टीआईजी में जो वायर यूज होता है 1.14 mm का, 0.9 mm का, 1.6 mm का, 2.4 mm का, 3.2 mm का। तो देखो हम टीआईजी में फिलर, जो फिलर होता है जो पिघल कर लगेगा, उस जो आप पिघला कर आप चिपकाना चाहते हो जिस वायर को, फिलर को, वो आपको दूसरे हाथ में पकड़ना पड़ता है और वेल्डिंग का दूसरे हाथ में, बट ये क्यों यूज कर जाती है, मजबूरी है कि सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वेल्ड होती है जो टूटती नहीं है। ठीक है, तो इसमें वही है वोल्टेज 10 से लेके 20 रेंज है इसकी, और करंट क्या 50 से लेके 250, ये रेंज है आपकी। ठीक है, अब आप एक काम करो, ये वेल्डिंग लिखो, फिर मैं आपको पढ़ा इसके एक वीडियो में आपको टीआईजी वेल्डिंग का दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ी सी आपको नॉलेज और अच्छी हो जाए। मैं लगा देता हूँ वीडियो, वेट करो। तो जैसे कि आप देख सकते हो टिक का वीडियो मैंने लगा दिया आपके लिए। ठीक है जी, अब आप ध्यान से देखना, अगर हम टिक वेल्डिंग की बात करें तो ये आपकी वेल्डिंग गन है, और जो इसके अंदर इलेक्ट्रोड है ये टंजस्टन की होती है, जो कि मेल्ट नहीं होती है। ये क्यों होती है, ताकि देखो जहां पर बहुत कम जगह आपको मिलती है कि यार हम वहां पर वेल्डिंग, क्योंकि सब पॉइंटेड होता है, यहाँ पर आप टच कर दोगे इसको है ना हल्का सा, तो ये थोड़ा अच्छा होता है। तो चालू करते हैं, आप देखते रहो, मेरे को दिखाने कुछ नहीं है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, आप देख बड़े पर आपको आइडिया लग जाएगा इसमें। बता चुका हूँ, इसको बताऊंगा नहीं,
जो बताने का होगा बता दूंगा आपको। हाँ, हिलियार्ड वेल्डिंग किसको बोलते हैं, ये ले आप लेंगे ना। देखो ये आपकी गन है और ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड है जो कि नॉन कंज्यूमेबल होती है आपकी, ठीक है जी। और ये मेल्ट नहीं होगी आपकी, देखो मिग में क्या हो रहा था, मिग में जो फिलर मटेरियल था इलेक्ट्रोड वो अंदर थी, बट टीआईजी में, और देखो जो पिघलता है वो एमआईजी ऐसा स्टिक और कौन सा आपको फ्लक्स कोर, टंजस्टन में इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं होती, तीनों में इलेक्ट्रोड मेल्ट हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रोड नहीं होती। कॉलेट होता है जिसमें फिक्स होती है ये इलेक्ट्रोड, कॉलेट आपका इलेक्ट्रिक वेल्डिंग गन में फिक्स हो जाता है, कॉलेट के अंदर इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड जो होगा आपका वो आपका देखो कॉलेट के अंदर इलेक्ट्रोड फिक्स होगी और कॉलेट फिक्स हो जाएगा वेल्डिंग गन के अंदर। अब ये तो टंजस्टन है, मेल्ट नहीं हो रहा, बस ये इसको पिघला रहा है। और आप देखो ये हमने सर्किट कंप्लीट कर रखा है, यहाँ पर ज्वाइन कर रखा है, सर्किट कंप्लीट है यहाँ पर आपका। ये फुट से कंट्रोल हो जाती है हीट इसकी, जो मैंने आपको ट्रिगर बताया था, ट्रिगर से हम कंट्रोल कर सकते हैं कितना आपको हीट चाहिए। DC TIG welding, the electrode is usually negative and the workpiece is positive. The term DCEN is used for this to indicate that the current is DC. तो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा वीडियो के थ्रू भी मैंने बता ही दिया क्या है क्या नहीं है। अब स्पेस में वेट करो, मैं थोड़ा बैक आता हूँ वापस से, एक सेकंड में पॉज कर देता हूँ। तो आर्क वेल्डिंग में हम दो टाइप की वेल्डिंग को कंप्लीट कर चुके हैं, एक होती है हमारी टीआईजी वेल्डिंग, एक होती है मिग वेल्डिंग। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी रिमेनिंग टू आर्क वेल्डिंग, दैट मीन्स फ्लक्स कोर एंड आपका स्टिक वेल्डिंग, और उसके बाद हम रिमेनिंग वेल्डिंग पर आएंगे। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।